अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा एक न्यूज़ आई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, यहाँ पे ये बताया गया कि आपको कैसे पता करना है आपकी कंपनी ठीक है या नहीं है, उसका कोई पॉइंट बताया गया जो कि आप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल पर नए हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो आपके साथ जो पहली न्यूज़ यहाँ पर शेयर करता हूँ, ये न्यूज़ आई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि एक गैर मुल्की थे, उसको यहाँ पे काम करने में मदद कर रहे थे, जिसको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे थे, बैंक अकाउंट सारी सुविधा जितनी भी सुविधा होती है यहाँ पे उसको काम करने के लिए सारी कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये यहाँ पे एक एजेंसी ही थी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वो इस तरह से ही काम कर रहा था और उससे जो है मंथली इनकम लेते थे, वो अपना बंदा काम करता था यहाँ पे वो लाइसेंस इन लोग के नाम पे, और उससे जो है मंथली इनकम ये लोग लेता था। तो इसमें जो है ये 17 लोगों को मिला करके 91 साल की सज़ा हुई है, जिनमें अलग अलग तरह से किसी को 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल इस तरह से सज़ा हुई है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 2.5 बिलियन रियाल भी इन लोग के पास से मिला है। अगली खबर जो है यहाँ पे ये हज मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी लोग बिना परमिशन के हज करने जाएंगे उनके ऊपर जो है 10,000 रियाल का फाइन लगने वाला है। अभी आपको पता है कि ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो फेक परमिट बनाकर दिया जा रहा था हज का, तो इस सब ये भी अरेस्ट हुआ, इस वजह से अभी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट किया गया है। इसके अलावा जो अगली खबर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जो आपके काम के बारे में है कि आपको कैसे पता करना है कि आपकी कंपनी सही है या नहीं है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले आप जिस दिन आओगे उसी दिन जो है आपकी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका क्या काम है, क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ के साइन करना है, क्योंकि आगे जाके आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको आपको बताएगी कि आपका काम क्या है, कौन काम करना है, इसके अलावा ये कंपनी का क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह से काम होता है, सारा कुछ आपको सारी जानकारी देगी। अगर ऐसा करती है कोई कंपनी तो वो समझो वो कंपनी सही है, यहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही, नहीं करती है तो आप समझ जाओ वो कंपनी ठीक नहीं है जिसमें भी आप आए हो। इसके अलावा जो अगली खबर है यहाँ पे, ये जो है अभी एक खबर आई है कुवैत को लेकर। कुवैत में जो है अभी विजिट वीजे को सारे को सस्पेंड कर दिया गया, अगला नोटिस आने तक के लिए अभी फ़िलहाल के लिए सब सस्पेंड है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक खबर आई कि सऊदी में जो भी गार्ड काम करेगा, ये भी एक मिनिस्टर ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि जो भी सऊदी में गार्ड का काम होगा उसका जो है कम से कम सैलरी 4500 रियाल होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।